नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन से हम कैसे कृषि को बचा सकते हैं और इस जलवायु परिवर्तन होने के कारण कैसे फसलों को यह प्रभावित करता है और क्या क्या चुनौतियां इसके वजह से किसानों को झेलनी पड़ती है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा आगे चल के भी, हम देखेंगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक उर्वरकों को और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि जो भी किसान है चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपज हो, उसके वजह से वो क्या करते हैं कि वो तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ या जहरीले कीटनाशक जिनको हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स बोल सकते हैं, इनका वो उपयोग करते हैं। और ये प्रकृति के जैविक और अजैविक तत्वों के बीच के आदान प्रदान के चक्र को, दैट इज इकोलॉजी सिस्टम को प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? देखिए, ये फर्टिलाइजर का हम यूज करके, खाद का या जो भी कीटनाशक है इनका यूज करके हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से मतलब एक नेचुरल तरीके से जो भी आदान प्रदान होता है हमारे इकोलॉजी सिस्टम या कहें कि हमारे मिट्टी में हर एक चीज का, उस पे हम जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि उस तरीके को हम फोर्स करते हैं कि वैसे ना हो, एक अलग तरीके से, ताकि वो अधिक उपज करे। तो उससे क्या होगा कि हमारे इकोलॉजी सिस्टम को बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा उस पर। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। कहने का मतलब है भूमि की जो भी जमीन है, सॉयल है, उसकी फर्टिलिटी बहुत हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि हम जबरदस्ती उसकी नेचुरल वे जो है, जो भी नेचुरल वे है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की, उसमें हर चीज को आदान प्रदान करने की, उसके इकोलॉजी सिस्टम को, वो हम जबरदस्ती एक अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो वो प्रभावित करेगी बहुत हद तक। इसके साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि ये जो भी हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनमें तरह तरह के बहुत ही ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, बहुत जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हुए, और उनके उत्सर्जन से, दैट इज एक्सक्रेशन से क्या होता है, हमारे धरती की टेम्परेचर हर साल बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। इससे किसानों को आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अभी भुगतना पड़ भी रहा है। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में उपज में और कमी आएगी। चलिए हम देखते हैं, यही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बन रहा है। ऐसे में भारत समेत दुनिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रकार की विधियां अपनाया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान में मानव जनित और भौगोलिक कारणों से जलवायु अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। कहने का मतलब है हम खुद मानव की वजह से भी ये जलवायु परिवर्तन का अनिश्चितता बना रह रहा है, और कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण भी यह अनिश्चितता आने वाले कई वर्षों तक देखने को मिल सकती है। गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, सर्दियों का मौसम सिकुड़ता जा रहा है। कहने का मतलब है सर्दियों के मौसम में सर्दियां मतलब ठंड और बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन नहीं रह रहा है। अगर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन नहीं बनेगा तो समय पे हर चीज नहीं होगा। बरसात का मौसम है तो बरसात नहीं होगा, गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ेगी, मतलब जो भी चीजें समय पर होनी चाहिए वो नहीं होगी। बरसात के समय से पहले, जैसे आप देख सकते हैं, बरसात के समय से पहले दस्तक दे रही है, समय से पहले ही बरसात हो जा रहा है, और मानसून के समय सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, मतलब जब बारिश होनी चाहिए उस समय सुखाड़ हो जा रहा है। दुनिया भर में बढ़ते औद्योगिकरण, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एवं वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी से ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में इजाफा हो रहा है। जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एक्सक्रीशन में और बढ़ोतरी हो रही है। इनके उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जैविक खेती, देखिए, खेती में रासायनिक खादों व कीटनाशकों के इस्तेमाल से जहां एक ओर मृदा की उत्पादकता घट रही, कहने का मतलब है सॉइल की जो भी उत्पाद करने की क्षमता है वो घट रही है, वहीं दूसरी ओर इनके अंश भोजन श्रृंखला के माध्यम से मानव के शरीर में ही पहुंच रहे हैं। मतलब जो भी कीटनाशक हम यूज कर रहे हैं, जो भी जहरीले पदार्थ, कीटनाशक खाद, जो भी फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, एक तो उसकी सॉइल की, मिट्टी की उत्पादक क्षमता को भी घटा रही है, साथ ही में जो भी हम भोजन ले रहे हैं हमारे शरीर में भी भोजन श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में भी वो पहुंच जा रहा है, वो भी जहरीले कीटनाशक। इससे अनेक प्रकार के रोग भी पैदा होते हैं हमारे शरीर में। रासायनिक खेती से, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके जो खेती होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम रासायनिक खेती से हरित गैसों के उत्सर्जन में काफी वृद्धि हो रहा है। दैट इज जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, और भी बहुत सारी जो गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं,
इस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए जैविक खेती का मॉडल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनाया जा रहा है, दैट इज ऑर्गेनिक मेथड से जो खेती की जाती है। यह खेती पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही वैश्विक तपन को कम करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कहने का मतलब है जो भी हमारे धरती के ऊपर का दैट इज अर्थ सर्फेस के ऊपर का टेम्परेचर है उसको भी कम करने में यह हेल्प कर रहा है। जैविक खेती में रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत भी कम होती है और फसलों की वृद्धि और उत्पादकता क्षमता भी दैट इज उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके साथ जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है और भूमि की जल धारण क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है और भूमि में पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। जैविक खेती रासायनिक खेती की तुलना में बराबर या उससे अधिक उत्पादन देता है। ऐसा नहीं है जैसे लोग अधिकतर मानते हैं, आप देखे होंगे कि लोगों का ऐसा मानना है, मतलब अधिक क्षेत्रों में जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जानकारियां कम है लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम जैविक तरीके से खेती करेंगे तो उत्पादन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जैविक तरीके से खेती करेंगे तो रासायनिक खेती के मामले में, मतलब जो खेती रासायनिक के विधि से की जाती है, केमिकल्स का यूज करके की जाती है, खाद कीटनाशक का यूज करके की जाती है, उसके अपेक्षा में जैविक खेती बहुत ही अधिक उपज देती है, या तो उसके बराबर या उससे अधिक उपज देगी, उससे कम नहीं देगी। दूसरे शब्दों में जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। कहने का मतलब ये मिट्टी की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और मिट्टी की जो भी उत्पादक क्षमता है, उपज करने की क्षमता, वो भी बढ़ाता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और अधिक लाभदायक है। इस विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत में भी कमी आती है, साथ ही किसानों को अधिक आय भी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देख सकते हैं कि जैविक उत्पादों का मांग भी बढ़ता जा रहा है और वो अधिक खड़े उतर रहे हैं मार्केट में। आजकल हर कोई चाहता है कि हम ऑर्गेनिक चीज खाएं, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम जलवायु परिवर्तन से कृषि को बचा सके, मिट्टी की उर्वरता क्षमता को हम कायम रख सके, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अलग अलग देश या विदेश, मतलब पूरे विश्व के हर एक कोने में अपनाया जा रहा है। उसमें एक योजना जो है, एक तरीका क्या है, जलवायु स्मार्ट कृषि भी है, दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू भी है। तो अभी हमने देखा कि आखिर जलवायु परिवर्तन से हम कृषि को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। कहने का मतलब है वह खेती जो रसायन पे कम निर्भर हो। कहने का मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी कीटनाशक दवाएं हैं, उन पे कम निर्भर होकर हम खेती करें तो ज्यादा बेहतर है, हम जलवायु को बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली इस जलवायु परिवर्तन से क्या क्या चुनौतियां किसानों को सामना करना पड़ रहा है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियां। देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक स्तर पर आ रहे बड़े बदलावों से अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव काफी गंभीर रूप से पड़ेगा। यही कारण है कि भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम से कम करने की दिशा में काफी व्यापक स्तर पे विशेषज्ञ द्वारा काम किया जा रहा है। कहने का मतलब है एक ब्रॉडर लेवल पे जो भी रिसर्चर है, जो भी स्कॉलर है, उनके द्वारा इस पे काम किया जा रहा है, ताकि इस परिवर्तन के कारण जो भी चुनौतियां आ रही हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनको कम किया जा सके। और जो भी स्टडीज हुई है, मतलब जो भी अध्ययन हुआ, उनसे पता चला है कि जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु विविधता के कारण फसल उत्पादन में कमी होगी। भारत में मानसून आधारित कृषि तथा अधिकांश फसलों की तापमान संवेदनशीलता की वजह से खाद्य उत्पादन पर काफी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भाकरी अनुप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अध्ययनों से निष्कर्ष सामने आया है कि भविष्य में तापमान में प्रति डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से गेहूं उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन की कमी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान अगर धरती का तापमान अगर बढ़ता है तो उससे गेहूं के उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन में कमी आ सकती है। यही नहीं, तापमान में छोटे बड़े बदलाव से फलों, सब्जियों, चाय, कॉफी, संगदीय एवं औषधीय महत्व के पौधों, बासमती चावल आदि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या में तापमान, आर्द्रता एवं अन्य संबंधित कारकों में वृद्धि होने से उपज पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कहने का मतलब है अगर ये तापमान बढ़ेंगे तो होगा क्या, कीटों की संख्या में तापमान, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके अतिरिक्त फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या में तापमान, आर्द्रता एवं अन्य संबंधित कारकों में वृद्धि होने से उपज पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा ही नहीं,
ऐसा नहीं कि जलवायु परिवर्तन से सिर्फ फसलों पर ही असर पड़ेगा, बल्कि डेयरी, मत्स्यिकी, कहने का मतलब मछली पालन आदि के उत्पादन में भी काफी कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने वाली फसल उत्पादन तकनीकों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने विशाल अनुसंधान नेटवर्क के माध्यम से देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के अनुसार किया जा रहा है। परिषद की ओर से निकरा या कृषि में जलवायु समुत्थानशील नवोन्मेषण पर राष्ट्रीय पहल नामक परियोजना की इसी लक्ष्य को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाई जा रही है। कहने का मतलब है निकरा जो योजना है इसी बेसिस पे किया जा रहा है। कहने का मतलब है इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये एक योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जो कि इसका नाम है निकरा, जिसको हम बोल सकते हैं जलवायु समुत्थानशील नवोन्मेषण पर राष्ट्रीय पहल। इस योजना के थ्रू पूरे देश में चलाई जा रही है योजना, पूरे देश में चलाई जा रही है ताकि हम इस जलवायु परिवर्तन से लड़ सकें। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु फसल प्रजातियों एवं पशुओं की नस्लों की पहचान या चयन का कार्य किया जा रहा है। देश के 150 से अधिक जिलों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों का किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किया जा चुका है। इस क्रम में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तकनीकों पर अनुसंधान स्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं बड़ी संख्या में मानव संसाधन को भी ऐसी तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे कृषक समुदाय के बीच प्रचार प्रसार कर सके। अब देखिए, तो आज हमने बेसिकली क्या देखा कि जलवायु परिवर्तन से किसानों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना पड़ रहा है और उस चुनौतियों से हम कैसे लड़ सकते हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है इस चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में, एग्रीकल्चर वीडियो सीरीज में और वीडियो लाते रहेंगे।